माथेरान। माथे मतलब सिर और रान मतलब जंगल, तो माथेरान का मतलब है पहाड़ों के सिर पर जंगल। माथेरान एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई से इसकी दूरी है लगभग 90 किलोमीटर और पुणे से है अराउंड 120 किलोमीटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप टैक्सी कहाँ से हायर कर सकते हैं, यहाँ एंट्री टिकट क्या होगी, होटल का कॉस्ट क्या होगा, खाना कहाँ अच्छा मिल सकता है, टॉय ट्रेन की टाइमिंग्स क्या होगी, एंड टिकट का कॉस्ट क्या होगा, आपको हॉर्स हायर करने पर कितना खर्चा आएगा, हाथ गाड़ी का कॉस्ट क्या होगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मॉर्निंग 3:30 कैब बुक करके मैं पहुंचा पुणे स्टेशन। वहां से मैंने करजत जाने के लिए ट्रेन पकड़ी 4:15 वाली और बस 2 घंटे में पहुंच गया करजत। फिर करजत से आपको नेरल जाने वाली लोकल मिल जाएगी जो आपको 20 से 25 मिनट में नेरल पहुंचा देगी, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। और जैसे ही आप नेरल स्टेशन पहुंचोगे आपको स्टेशन के बाजू में ही शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएगी जो 100 रुपये चार्ज करेगी माथेरान के एंट्री गेट तक लेके जाने के लिए। ये डिस्टेंस रहेगा टोटल 15-20 मिनट्स का। और अगर आप अपनी 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से आ रहे हैं तो यह पार्किंग की बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, बस आपको पे करना होगा 2-व्हीलर के 45 रुपीज़ और 4-व्हीलर के 80 रुपीज़। माथेरान के अंदर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। स्टेशन अडल्ट 50, चाइल्ड 25 और ये एंट्री है। यहाँ पे आपको आपका टिकट दिखाना पड़ेगा और आपको एंट्री मिल जाएगी। माथेरान में मोबाइल नेटवर्क काफ़ी कम है और अगर एटीएम की बात करूँ तो यहाँ सिर्फ एक ही एटीएम है, तो आप जितना हो सके अपने साथ में कैश कैरी कीजिए। जैसे ही आप एंट्री करोगे माथेरान से तो आपको अमन लॉज का जो है स्टेशन मिलेगा। मेरे पीछे जो है अमन लॉज है और आपको यहाँ पे एक जो स्टेशन का जो टिकट है आप यहाँ से ले सकते हैं। इस साइड से आपको टॉय ट्रेन के टिकट्स इस काउंटर से मिलेंगे। ये टॉय ट्रेन आपको अमन लॉज टू माथेरान रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगी। टोटल डिस्टेंस रहता है 2.5 किलोमीटर। टॉय ट्रेन मॉर्निंग 8:30 बजे से तो शाम के 5:30 बजे तक हर 1 घंटे की फ्रिक्वेंसी से चलती है। जैसे आप देख सकते हो टॉय ट्रेन चलने को तैयार है। दोस्तों टॉय ट्रेन से कंफ्यूज मत होना, ये आपको कोई पूरा माथेरान नहीं घुमाएगी, ये सिर्फ आपको अमन लॉज टू माथेरान रेलवे स्टेशन लेकर जाएगी। फिर माथेरान स्टेशन पहुंचकर आप वहां पैदल घूम सकते हो, नहीं तो आप वहां हॉर्स हायर कर सकते हो अलग अलग पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉय ट्रेन में क्यों नहीं गया। मैंने डिसाइड किया है कि मैं पैदल जाऊंगा, बिकॉज पैदल जाने चलने में जो मज़ा है यहाँ पे बहुत सही है। आप इसी ट्रैक से पैदल चल सकते हैं, इसका एक रीज़न है जल्दी बताऊंगा। मास्क पहनने का मन नहीं कर रहा और रीज़न ये है इस ट्रैक से जाते जाते आप बहुत खूबसूरत नज़ारे साइड बाय साइड देख सकते हो पैदल चल कर। सी एकदम वाइट फॉग, एक नंबर लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वाह। पैदल चलकर आप टोटल 25-30 मिनट्स में आराम से पहुंच जाओगे। बीच में आपको माथेरान का मैप भी दिख जाएगा। फाइनली हम पहुंचे माथेरान। सो ये माथेरान स्टेशन। स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। टाइम फॉर टी। और इसी मार्केट से आप अलग अलग पॉइंट्स जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप हॉर्स हायर कर सकते हैं। हॉर्स का रेट डिपेंड करता है आप कौन कौन से पॉइंट्स घूम रहे हैं। इसका रेंज अराउंड 500 से 1500 तक के जा सकता है। हॉर्स के अलावा आप हाथ गाड़ी भी हायर कर सकते हैं, इसका भी रेंज आपको 300 से 1500 तक जा सकता है। बाय बाय बाय।
इसी मार्केट में सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखने को मिल जाएगा वो है नौरोजी लॉर्ड गार्डन। गार्डन है, काफी ग्रीन है। और इसी गार्डन में एक पॉइंट है माधव जी पॉइंट। अभी है माधव जी पॉइंट, लेट्स सी क्या है यहाँ पे, देखते हैं। माधव जी पॉइंट, लेट्स सी क्या है यहाँ पे। फुल फॉग, फॉग के वजह से व्यू नहीं दिखेगा, जो माउंटेन्स थे कुछ भी दिखेगा नहीं। एंड या फॉग में भी मज़ा है। सो हर एक पॉइंट पे आपको सुलभ शौचालय मिल जाएगा, तो है इस साइड। यहाँ के मार्केट से आप अलग अलग चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ये सब है पॉइंट्स, एको पॉइंट, पुलिस स्टेशन, लुइसिया पॉइंट, हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट से तो मेरा कोई नाता नहीं है दूर दूर तक। मालंग पॉइंट, तो मुझे ये साइड से जाने वाला, मैं ये साइड से जाऊंगा। ओ वाह। और चलते चलते बीच में मुझे एक कॉटेज दिखाई दिया जिसके सामने बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी, और इन मूर्तियों को देख के मुझे एकदम हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही थी जैसे हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना। मैंने 5 लोगों को कॉल किया कि साथ में कौन चलेगा माथेरान। उसमें से 3 लोग रेडी हो गए, एंड 3 लोग रेडी होने के बाद में लास्ट मोमेंट पे कैंसिल। किसी का कुछ, किसी का कुछ, मुझे नहीं सुनना था। मैं निकल गया, बस ट्रेन का टिकट बुक किया और निकल गया। किसी का वेट नहीं करना चाहिए, जस्ट पूछो आ रहे तो ठीक, नहीं आ रहे तो अपन तो अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय करते हैं। अभी लेक है चार लोट लेक, तो चार लोट लेक के पास जाएंगे और देखते हैं कैसा व्यू है। और 15 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाओगे चार्लोट लेक के पास। ये सबसे मोस्ट विजिटेड एंड फेवरेट प्लेस है। इसी लेक का पानी फिल्टर होके पूरे माथेरान में सप्लाई होता है, या आप ये कह लो माथेरान की पॉपुलेशन पानी के लिए इसी लेक पर डिपेंडेंट है। इसी लेक के बाजू में लॉर्ड पॉइंट है, तो अब वहां पे जाने का प्लान किया है। उसी के बाजू में 2 मिनट की दूरी पे, सो ये है लॉर्ड पॉइंट। लॉर्ड पॉइंट से आपको खूबसूरत माउंटेन और एक ब्यूटीफुल लेक देखने को मिल जाएगा। शार्लोट लेक के सामने एक प्राइवेट प्लेस है और मैं यहाँ चले गया, और वहां जाके मैंने ये सुंदर वाला वाटरफॉल एक्सप्लोर किया। अब मैं पहुंचा सीलिया पॉइंट के पास। सीलिया पॉइंट के पास जाना थोड़ा डेंजरस है, तो आप अपने रिस्क पर ही जाएं, एल्स इसे दूर से ही एंजॉय करो। पैदल चल के मैं काफी एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैंने सीलिया पॉइंट टू किंग जॉर्ज पॉइंट तक एक हॉर्स हायर किया और मैंने टोटल 200 रुपये पे किए। टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 15 मिनट का। भाई तुम लोग उतर गए?
क्या बैठे नहीं? अरे बैठे हैं पर अभी क्या? अच्छा ये भीड़ हो गई थी। हाँ ये वही दोस्त है जिनके साथ मैं शेयरिंग टैक्सी में मॉर्निंग में आया था। और ये है किंग जॉर्ज पॉइंट। फॉग काफी होने की वजह से इंतजार करना पड़ा फॉग के क्लियर होने का। इस पॉइंट से आपको सीलिया पॉइंट का वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा और ये खूबसूरत माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे। टाइम फॉर सम नींबू पानी। एक सजेस्ट करूंगा आप बीच बीच में नींबू पानी पीते रहे, इससे आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे और आपकी एनर्जी बने रहेगी। भाई साहब इतनी सही जगह पे बैठा है, वाह। अरे भाग मत भाई। अबे इसी पॉइंट के बाजू में है एको पॉइंट। यहाँ जोर से आवाज लगाने से आपको आपकी आवाज गूंजते नजर आएगी। ये भी काफी फेवरेट एंड मोस्ट विजिटेड पॉइंट है माथेरान का। पर ये सब पॉइंट घूमने के बाद मैं पहुंचा मार्केट और यहाँ आपको रोड साइड पे बहुत सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छा और सस्ता खाना दे सकते हैं, तो इन्हें जरूर ट्राई करें। माथेरान में आपको काफी सारे होटल्स, लॉज और होमस्टे देखने को मिल जाएंगे जो कि मार्केट के आसपास ही है। इसकी कॉस्टिंग वेरी करती है, अगर आप वीकडेज पे विजिट कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट रहेगी अराउंड 500 से तो 1500 तक के। वही अगर आप वीकेंड पे विजिट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग रहती है 1500 से तो 3000 तक। माथेरान में आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, उसमें से मेरा रिकमेंडेशन है सन एंड शेड रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। प्राइसिंग के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी रिजॉर्ट का बैक साइड व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी सी धूप निकली है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माथेरान। मैगी और चाय पी के डे टू की शुरुआत करी। डे टू में मैं कवर करूंगा 7 पॉइंट्स, अलेक्जेंडर, रामबाग, लिटिल चौक, बिग चौक, वन ट्री हिल, बेलवेडेरे पॉइंट, मार्जोइस नूक पॉइंट। मॉर्निंग ऑसम वॉक हो रहा है। डे टू के सभी पॉइंट्स इसी जंगल में से कवर होंगे, तो अगर आपको ये जंगल का फॉग पसंद है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। 20 मिनट वॉक करने के बाद में पहला पॉइंट लगा अलेक्जेंडर पॉइंट। अलेक्जेंडर पॉइंट ये बहुत सीनिक पॉइंट है और एकदम शांतिपूर्वक है। Alexander Point is done and see ये sound, कुछ birds है अलग type के जो काफ़ी अलग आवाज़ निकाल रहे हैं जो कभी सुनने में भी नहीं आए। और ये रहा रामबाग पॉइंट। wow. So यहाँ पे आप नीचे चल के जा सकते हो। रामबाग पॉइंट बहुत awesome पॉइंट है, काफ़ी स्लोपी है, आते हुए मेरी वाट लगेगी बट देन ठीक है। वैसे माथेरान में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट सीजन रहेगा मॉनसून या तो फिर विंटर, बिकॉज ये बहुत ग्रीन रहता है तब। सो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है। पॉइंट इतना खूबसूरत है तो मैं चाहता हूँ ये पूरा क्लीन करूँ। बॉटल्स, बिस्किट के पैकेट्स, चिप्स के पैकेट फॉर एग्जाम्पल दिस पड़े हुए, तो अभी सी We will action it. रामबाग के एंट्री करने के टाइम पे एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे अविनाश बैठता है। अविनाश ने मुझे क्लीनअप ड्राइव में काफी हेल्प करी। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स आपको उनके व्लॉग में वो बहुत कचरा दिखाएंगे लेकिन एक्ट कोई नहीं करेगा, तो मेरा मानना है प्लीज एक्ट भी कीजिए, इससे सोशल अवेयरनेस बढ़ता है। नहीं मालूम, उसे थोड़ा फार आते थे।
You are doing a very good job, I must say. I have my YouTube channel actually. Okay. I'm creating social awareness. If you visit some places like this, please do not litter. No, this is the message for everyone. Yeah, definitely. Everyone, you know, make sure that if you are visiting somewhere and you have something, you don't throw it anywhere. If you are, you know, trying to clean your home, this is also, I mean, your country is also your home, so you should exactly. Do the same for your country too. This nature as well, like our home. Yeah. चलो आज मैं आपको मेरे चैनल का पर्पस भी क्लियर करता हूँ. मैं एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हूँ और मुझे नेचर में घूमना बहुत पसंद है. लेकिन हर बार जब कभी मैं ऐसे खूबसूरत प्लेस पे आता हूँ तो मुझे अक्सर यहाँ पे ट्रैश दिख जाता है. तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैश क्लीन करके लोगों को सोशली अवेयर किया जाए. अगर हम फ्यूचर में यूट्यूब के थ्रू कोई भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो मैं चाहता हूँ उन्हीं पैसों से हम माउंटेन साइड में लोकल अथॉरिटी से बात करके डस्टबिन्स इंस्टॉल करें. स्लोप साइड पे अविनाश ने बहुत हेल्प की ट्रैश क्लीन करने में. आप भी इस नेचर को क्लीन अप करने के लिए इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब पूछोगे कैसे? वो ऐसे कि आप जब ये वीडियो पूरी देखते हो तो यूट्यूब से हमें इन फ्यूचर कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो हम वो रेवेन्यू का यूज़ करेंगे माउंटेन साइड पर डस्टबिन इंस्टॉल करने के लिए. और इस ट्रैश को मैंने अविनाश के पास में हैंड ओवर कर दिया. आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रामबाग घूमने आ रहे हैं तो अविनाश के फूड स्टॉल में जरूर विजिट करें. क्लीन अप ड्राइव को अराउंड एक घंटा लग गया बिकॉज काफ़ी स्लोप था एंड संडे रह के भी मैं अलोन ऑन द रोड. आई माई सेल्फ इज नॉट अलोन, नेवर. आई एंजॉय माई कंपनी मोस्ट. किसी के ड्रामे की जरूरत नहीं है. वाओ, विच पॉइंट. एंड मुझे लगा कोई पॉइंट है बट यहाँ पे लिखा हुआ है शमशान भूमि. ठीक है, कभी ना कभी आना है, नॉट नाउ, घूमने दो. मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कोई पॉइंट है. वाओ, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है. बट पारसी लास्ट रेस्ट, ओ शिट. मेरे को हर जगह लग रहा है कि कोई ना कोई पॉइंट है बट अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो लास्ट रेस्टिंग प्लेस फॉर पारसीज, सो इवन दिस इज शमशान भूमि. तो नमस्कार, आप भले यहाँ से अकेले चलोगे, जैसे भी है, खाली रोड दिखता है लेकिन आपको लोकल्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो बहुत बार आते जाते रहते हैं. सो डरने की कोई बात नहीं है, माथेरान बहुत सेफ प्लेस है. हेलो, कोई है? कोई है? कोई नहीं है भाई, अकेला चल ले. अकेले आए थे, अकेले जाएंगे. यहाँ की जो हवा है, मतलब इतना ठंडा फील हो रहा है फॉग में, आई कांट एक्सप्लेन इट्स. एंड सबसे अच्छी बात है कि इट्स फ्री. आने के लिए पैसे लगते हैं लेकिन यहाँ पे फ्री है. एसीसी तो बेटर है. Not better, best. And this view is awesome. See? अब शब्द नहीं है बयां करने के लिए. Wow. See? Oh, रास्ता थोड़ा खराब है भाई. थोड़ा सा रास्ता ख़राब है यहाँ पे. देखो, मेरे शूज़ गिले नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट. एक्चुअली नीचे पूरा स्लोप है. सो रोड अच्छा है बट यहाँ पे कीचड़ जम रखा है और शूज़ एक बार गिले हो गए तो आपके बहुत ही. ओह मैन, वाह, इसे कहते हैं फीलिंग. दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है ये, बता नहीं सकता मैं. ऑन सी,
आगे जाके कितना फॉग है, पूरा फॉग है, पूरा एवरीथिंग इज फॉगी हियर। वाओ मेरे लाइफ का ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है कि इस फॉगी रोड पे मेरे को चलने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। वाओ आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, क्या बोलूँ। सी इस साइड पूरी खाई है और स्लोप है काफ़ी एंड नो वन अराउंड, इट्स जस्ट यू। वाओ और पौन घंटा वॉक करके मैं पहुंचा लिटिल चौक पॉइंट। ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉग रहने की वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया यहाँ पे। स्टेयर्स है यहाँ पे काफी अच्छी, ऐसा लग रहा है सच नेचर ने सजा हुआ है। वाह Awesome. All right. So the next adventure is this. Full fog. Going to be a wonderful time for sure. So फॉग में ज़रूर डर लगता है कि आगे क्या होगा, बट वंस यू आर इन टू द फॉग नथिंग टू फियर बिकॉज कुछ नहीं रहता आगे जाके। बोल रहा हूँ ऐसा बट पता नहीं आगे मुझे क्या दिख जाए। लेट्स सी, आई थिंक बारिश होने वाली है अभी। ओह यस हो रही है। सी आगे जाऊँगा तो भी फॉग है, मैं कह तो रहा हूँ लेकिन मेरी खुद फट रही है आगे जाने को क्योंकि पूरा फॉग है, ऊपर से बारिश एंड आगे पता नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ से आया हूँ तो ये भी फॉग ही है एंड ये तो पूरा स्लोप है पहाड़ का। एट टाइम्स ऐसा फील होगा कि फंस गया हूँ बट आई विल मेक इट आउट। या कीप वॉकिंग, बट मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे को चलना ही पड़ेगा। ओह शिट, आगे जाके बहुत स्केरी होने वाला है ऐसा लग रहा है। और ये शायद से आई थिंक बहुत स्केरी हो रहा है मेरे लिए भी, बट कीप एंजॉयिंग, ज़्यादा क्या होगा। हाँ तो अपने फियर से आगे बढ़ो, इट डजेंट मीन कि माउंटेन में से कूद जाओ या कुछ ऐसा एक्ट करो, नॉट लाइक दैट, बट देन जो फियर लग रहा है जस्ट कॉन्कर योर फियर विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड सी मुझे वहाँ पे फॉग लग रहा था बट अब यहाँ पे पूरा क्लियर लग रहा है। यार डर तो लगता ही है थोड़ा बहुत सबको कि चल तो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ आ ना जाए यहाँ से बिकॉज पूरा फॉगी और एकदम जो हॉरर टाइप रहता है मूवीज़ में पूरी वैसी फीलिंग है ये पूरी। ओ शिट ए स्नेक, नो नो नो, ओ फाइनली आई सॉ समवन, थैंक्स। हाँ सो जंगलों की एक एक खास बात रहती है, अगर लोग घूमने निकलते हैं तो कभी कभी रास्ते इतने अकेले हो जाते हैं और तुम्हें कहीं ना कोई दिख जाता है, आगे से लोग आ रहे हैं। आई विल कवर, मुझे भी लोकल ने बताया है, मतलब मैं कभी यहाँ पे पहले आया नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ अच्छा, हाँ मतलब मैं भी गया नहीं कभी, आई होप कि वो रहे। बारिश हो रही है, बैड लक, जितनी बारिश होगी उतना लेट होगा। फाइनली रीच डेट, कौन सा ये बिग चौक पॉइंट, बहुत बारिश हो रही है। सो सी ये है वो पॉइंट, बिग चौक पॉइंट, बहुत ऑसम व्यू है। सॉरी फॉग होने की वजह से मैं यहाँ के माउंटेन्स कवर नहीं कर पाया। ये फॉग भी आ रहा है, प्लस अब मुझे इतना चल के जाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
ऐसा लग रहा है आई ओन दिस माथेरान. फाइनली वन ट्री हिल पॉइंट, और ये है वन ट्री हिल पॉइंट. इस पॉइंट का वन ट्री हिल पॉइंट नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ है, उसके वजह से ये नाम पड़ा हुआ है. और यहाँ से जो व्यू है बहुत स्टनिंग व्यू दिखते हैं आपको, बहुत सारा लेक का पानी एंड ब्यूटीफुल माउंटेंस देखने को मिल जाएंगे. और इसी पॉइंट के आगे आपको बेल्वेडियर पॉइंट देखने को मिल जाएगा. गाइस ये है बेल्वेडियर पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है. बहुत से लोग बेल्वेडियर पॉइंट को मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ आप इसको मिस मत करना, बहुत खूबसूरत पॉइंट है ये. एंड ये देखने को मिला है आफ्टर एक्सप्लोरिंग बेल्वेडियर पॉइंट. वाओ, अब समय हो गया था बेल्वेडियर पॉइंट को अलविदा कहने का और मार्केट में पहुंचने का. तो इस तरह मैंने माथेरान के मैक्सिमम पॉइंट्स एक्सप्लोर किए. बारिश काफ़ी हो रही थी और मैं चलता गया और फाइनली पहुंचा मार्केट. तो कुछ इस तरह रही एडवेंचरस माथेरान ट्रिप. टोटल खर्चा मुझे 3,500 रुपये आया. फाइनली पहुंचा पुणे.